नमस्कार मित्रों, तो ये चल रहा है सारा काम, तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, सारा काम हुआ है और आप सभी के सहयोग से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। ये चार पंखे हैं आदरणीय हमारे भाई बड़े भाई साहब मोतीलाल जी की ओर से ये प्रदान किए गए हैं, उदयपुर मोतीलाल जी हलेरा की ओर से प्रदान किए, चारों पंखे लगा दिए हैं। एक पंखा ये लग रहा है आपको दिख रहा है, दूसरा पंखा ये इधर लग रहा है, तीसरा वाला चौथा वाला लास्ट में लगाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें, वीडियो देखते रहें, क्योंकि होता क्या है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बरसात हो रही थी और अभी ये देखे पसीने लड़ालड़ हो गई और हमारा भाई रेस लगा हुआ है। तो भगवान चार भुजानाथ की सेवा में समर्पण है, समर्पित होकर सब काम कर रहे हैं, वेल्डिंग अपने हाथों से कर रहे हैं। और देखें ये जैसे अभी ये दशनारती है, आराम करना था तो पीछे आराम कर रहे थे, अभी यहाँ व्यापार मंडल सब सभी सदस्यों को कहा है कि सभी यहाँ पे गमले लगाएंगे और गमले लगाने के बाद थोड़े सा फूल वूल हो जाएगा तो भगवान के चढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कबीरा जी नमस्ते। तो हमारे ये सब पड़ोसी सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, संभालते हैं, हम लोग तो कभी कभी आते हैं और जैसी भी सेवा होती करते हैं। दूसरे जी अब थोड़ा सा ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, ये थोड़ी सफाई करवानी है, पंडित जी को कहते हैं सदस्य सफाई करवा रहे हैं, हमारे केला पीना तोड़ लग गया नहीं दिन यहाँ पर देखे 4-17 तारीख को जल जुल्दी एकादशी है, छोटे स्तर पर कार्यक्रम हमको आयोजन करना है और छोटे स्तर पर ही है, कोविड चल रहा है इसलिए ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी प्रेस की ज़्यादा। ये जब भी बोलता हूँ फटाक से तैयार हो जाता है, चलो साधु जी का काम है, चलो अभी चलते हैं। और अभी मोटरसाइकिल पे उधर 70 किलोमीटर चल के फटपटिए पे आए, बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या करें, मार खाए भी नहीं रोते हम लोग, रोते तो महीने में 2-3 बार आना ही पड़ता है यहाँ पे। और इस तरह से ये जो काम हो रहा है, इतना काम इतना अच्छा नगर परिषद ने किया है और यहाँ के विधायक मंच से किया, तो हम क्यों नहीं इस पर 4 साल लगाए, पंखे लगाएंगे, समाज के लोग आएंगे, भक्त आएंगे, देखेंगे, अरे यार वाह अच्छा काम हो रहा है ना। देखने में वो कहते हैं ना, करने में और करने में काफ़ी अंतर होता है, लोग अपनी आँखों से देखेंगे तो काफ़ी उनको अनुभव होगा और लगेगा वास्तव में कुछ तो काम हुआ है। अभी देखिए पूरा साल हो गया, रेलिंग अगले साल पिछले साल लगाई थी तो पूरा जंग आ गया उस रेलिंग पे, एक ही हाथ कलर का मारा था और अभी एक हाथ और मरवा देते थोड़ी चमचम हो जाएगी। कैसर भाई राम राम, अबे ठीक है, पंखा लगे दीदा, आज पंखा लगे दिया, पंखा कोई जरा खोलने ले जाएगा, वेल्डिंग कर दीदा, अबे भी खोले, वेल्डिंग कर रही हूँ, पंखा भी यार देख लो कितनी मीठे लगी है, आपकी नज़र तो रहेगी मत एक, अब भाई आप पड़ोसी हो, आपकी नज़र रहेगा डायरेक्ट तो आप कुछ एक ठोकेगा तो भी नजर ही जाएगा। अरे लिए कहीं ऊपर आपने ऊपर ऊपर चढ़ने वाली जगह ही नहीं रखी है, ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सके। तो ये हमारे केसर भाई थे जो जिनसे बात करे थे, पड़ोसी है हमारे। भाई सुरेश थोड़ा जल्दी आ चला यार, पंखे लगे अभी काम तेरा बहुत है, जल्दी निपटाना भी है अपन को, वापस जाना भी है भाई, उदयपुर 70 किलोमीटर दूर है। रोशन थोड़ा फटाक देंगे, हाँ थोड़ा जल्दी, तेरे 2 घंटे में निपटाना पड़े, वाइट भी करना। हमारे जीवन सफल बना गया ओ बाबा राम जी। देख इन्हें मशीन में शेर किस की, देख किसी किस तरह की दी है, कैसा आइडियो तो कल्पना नहीं कर सकते बेटे की, मशीन भी बुला लिया कहीं सब कह रहा यार कैसे लगेगी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, गोविंद जी आप कैसे लगाओगे इसको, मेरे साथ देखा करो तो नीचे लगाओ, सपोर्ट तो लगाना पड़ेगा, मेरे बिना सपोर्ट बस नहीं लगेगी, है सपोर्ट है लेकिन लगेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन बोले उतरे उतरे में तेल नहीं मिले जी।
तो वेल्डिंग हो गया है, पंखे हो गए रेडी और अब इसको मैं जा रहा हूँ लगाने के लिए अगली मंजिल पे। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे वीडियो, ठीक है ना? पसंद आया लो, हेलो लेगा, हेलो हेलो मांग कर तैयारी है प्रेस। हाँ, ये कपड़ों गीले करना लाना पड़ेगा, ताकि माते वो पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा गीला और करना या सुबह लिया तो पंखे नहीं चले इसके लिए पानी का कपड़ा गीला करने जा रहा हूँ, तब तक सूरज जो है इस काम को कर रहा है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपको लगता है हम मेहनत करें तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you.
Thank you.